अदरक हाँ मैं ग्रेट किया भी सी, तो मैं क्या भी जो ग्रेट किया तो जल्दी जल्दी लेती रहनी है कट्ठा करके। इना इना को टुकड़ा पाना है, चाहे वो पाई दे भी, कई बार ब्लेड में अटक जाएगा, उन ब्लेड इंज मारेगा तो उन पीस नहीं कर सकेगा, तो या कोई पुराना होए कट्टा कच्चा तो वो थोड़ा ब्लेड तोड़ भी सकता है। मनु इस इन्ने सख्त नहीं है इस करके, वो जरा को अदरक पा देता है, ये लहसुन पा देता है। ठीक है जी, मिर्च हो गई। ये कड़वियाँ नहीं हैगियाँ तो कलर वास्ते वो पाउडर वाली पा ले दी, दूजी पानी हुई ये हो गया प्याज है, तो वो टमाटर पीसे हुआ नहीं तो हूँ मैं नाल टमाटर पा देना ये सी। पूरा प्याज जाएगा? हाँ ये घट तो घट ही ना, मैं एक प्याज ये मैं ये इंटैक्ट रखती हाँ, जब मैं कटती हाँ हाँ वो वाला पोर्शन कटती हाँ, खैर तू तो मैं नहीं कटना। रफली कट लेना है इना को, ता करी दे भी मूव भी हो जाए तो ब्लेड नू ना तोड़े, वो तो मैं जब पीस कर दी हाँ मैं नू इंज कर दी हाँ अपना कट्ठा मैं कट सका, मैं इंज थोड़ा वो जो बरीक कटती हाँ मैं वो तो तुसी ते प्रैक्टिस नहीं ना नहीं कटना ठीक है। ये इंटैक्ट रहिंदा ये हो गया मोटा सी, ते ये नू मैं असी कटते हैं ये एम दो लेयर हो गई लाइना पा लिया, तो यह होंगे सारा तरीका आमलेट विच या तड़के विच पान दा ठीक है। ये मैं करन दी लोड़ नहीं है, ये मैं सिर्फ एवं तोड़वा, प्याज घट वध कोई गल नहीं है छोले में जो भी है, ठीक, एक प्याज पाता लहसुन पा दिता अदरक पा देते हैं मिर्च हरी चाहिए। ठीक मिर्च पा देती, नहीं होवे कोई गल नहीं लाल पा लो, ठीक है तो हल्दी तो मैं विच पौधे पा दूंगी ठीक है। शायद विदाउट हल्दी भी छोले बनते हैं, आज हल्दी मैं पानी नहीं आज सोचती पी हाँ। अच्छा ये मैं तान नमक यूज करती हाँ कि मनु ज़्यादा पीसना पेगा, ये अच्छा है ये अपनी मर्जी होंगी है, ये बेस्ट फ्लेवर देंगे ने, पहले साबत असी पा लीए तो उपरों असी पाउडर पा लीए, पर ये सारिया चीज़ा मेरे मसाले बच्चे है ठीक है। गरम मसाला जो होता है, हाँ ठीक ये काली मिर्च साबत पा देव चाहे ना पाव, ये अपने फायदे होंगे ने, मैं चार दे मसाले च भी ये पानी हाँ, बेलीफ। ये फ्लेवरिंग लेने पहले पा ले तुहाडी मर्जी, नहीं पाओगे कोई नहीं, सारी चीज़ा गर्म मसाले पीसी होंगी ठीक है जी, ठीक ये पीसे, तो ये मैं तुम्हें बिना पानी तो पीस के दिखा। है जी। टमाटर है ना वो तो पहले ही अपना जूस नाल दे देता है, अच्छा, तो टमाटर नहीं डाला आपने इसमें? हाँ वो भी मैं तुम पा के दिखानी है, मैं तुम्हें ये कहने लगी हाँ भी इससे मैं किवें पीस रही हाँ बड़े जार च बिना पानी तो, वो पानी पा लें शुरू तो कोई गल नहीं, ये मतलब थोड़े इन्ने जूसी ने ये लिखा है टुकड़े करता है ठीक है ये जी, ग्राइंड करता है ठीक है, पढ़ा थे और समझ गया है मैं। ना है ना, ये की लिखा है ये लिखा है डाइस एंड चॉप। ये डाइस तो चॉप कर देंगे जी, मिलाती तो मैं कि जिन्ना आ जाएगा जल्दी और जूस आएगा तो फिर जल्दी पीसना शुरू कर देगा। लगातार खेसों ज़्यादा दे रहा तो एडवाइस कर देना भी मिक्सी खराब नहीं होती ठीक है ना, अच्छा ये इन्ना घट दे नहीं, ये तो मैं सिर्फ पीस भी जल्दी हो जान जल्दी जूस छोड़ दे। ठीक है जी, खट्टे तो है ही नहीं उल्टा गाढ़े करेंगे, मैं सारे टमाटर पा देंगे ये कोई नुकसान नहीं, कच्चा टमाटर हो तो एक कितना, एक टमाटर पूरा डालना? दो पा लो, अच्छा ठीक है, हाँ दो पा लो तीन पा लो कोई गल नहीं, तो थोड़ा तो प्याज नाल ही इंज हो जाना सब कुछ इंज ही हो जाना है, मैं साबत पा देवे ठीक है। टमाटर भी बिचे लोग टमाटर दे रफली दो चार टुकड़े पाते हैं, एक ने दसाया है कि भी प्याज नू रफली स्लाइस करो बस हाँ विचे पा दो, जिन्ना खाने लिए तेन कच्चा देनी है प्याज पा दो
टमाटर पा दे तो इन्ने घंटे रिज देने तो जो तुम कड़छी मिलानी है तो सारा कुछ ही गल जाना थिकनेस टमाटर तो गर्म मसाले ने दे देने इसी में डाल दिए। अच्छा ठीक कितना कितना पानी डाला मैं अभी बताती हूँ कितना डाला ये सारे आपके मसाले डाल दिए। अच्छा वो जो साबुत मसाले थे वो भी डाल दिए लहसुन अदरक टमाटर। अच्छा। और ये अपना हंगाल के पानी पाता है ठीक है जी प्याज लहसुन अदरक टमाटर मिर्च अपनी मर्जी है ठीक है जी तुम्हारा मर्जी है ठीक साबुत मसाले फोड़ लिए कोई गल नहीं पाउडर से पाना ही है ठीक रात भर पूरे डालने रात भर नहीं तो मैंने सुबह 7 बजे के गर्म पानी में डाल दी हुई है। और ये कितने वो थे डेढ़ कटोरी ये फिर मैं इसमें डबल ग्लास पानी डालूंगी ठीक है एक ग्लास चावल और दो ग्लास पानी है दो ग्लास से जरा ज्यादा करूंगी ये ले लेते हैं फिर आराम से फूलते हैं मतलब मशीनी बनते फर्क दा थोड़ा थोड़ा अलग फर्क हो जाता है दो थे पानी पाने अच्छा फिर ये जरा कोई ऑयल ऑयल कोई भी ऑयल पाओ क्यों पाओ ठीक मर्जी है जीरा लौंग का टुकड़ा पाओ ना पाओ ठीक है जी मर्जी सॉल्ट पाओ ना पाओ ठीक मतलब पानी तो डबल ठीक ये हम छोलिया का मैं ये करा रही कि ये पानी अगे अस कहते छोले भी वो आ गई हम कहते जिमें राजमा रूजमा छोले कई गैस करते हैं ये कहते हैं नहीं होंगे ठीक है ये तुहाड़े पा देते डेढ़ कटोरी छोले ठीक है जी ये विच पता है खुला पैना है तो इन्हें भुल जाना है तो मैं एवं पाउडर घ्यो ये पावा ना तो मैं ये सोचती हाँ कि है ना मैं घट पीसना पवे मेरा भी मैं इन्ना तो पा ही लवान ठीक है छोले सख्त मजा नहीं आंदा वाई ना करे मैं विच थोड़ी हिंग पा देनी है छोटी डब्बी आई नहीं फिर चिपकदी नहीं ताइयो ओयो बल गई ए लिख के चिपकांदी रही हां इससे चिपकदी नहीं तो एदे विच मैं बस इन्ना को 1/4 1/4 कर लो 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा बस ठीक है हूँ ना अगर काला रंग देना है तो मैं जरा को चाय तो पहले ही नहीं मैं छानने की लड़ नहीं पैनी टी बैग कट दवांगी दो टी बैग पाते उत्थे घर च मैं पता की पानी कर दी हाँ अनार के छिलके सुकाए हुए ने वो भी एक तीन रे आंवला सुकया हुआ कोई भी पा सकते हो ठीक है अच्छा काला करता है हाँ वो में ही काले हो जाते ने टी बैग वाला वो काला करके हमें क्या करना छिलका अलग ज्यादा सोडा असि पाना नहीं तो छिलका मतलब अलग नहीं उपर तैरेगा
ज़्यादा सोडा चाय दे के क्या चाय डाल के क्या फायदा चाय ते सोडे दा कोई रिएक्शन है अच्छा ओ दे छिलके नु अलग नहीं है जो फाड़दा सॉफ्टनेस दे देंदा है एदा छिलका हार्ड किदा हुंदा है उनु सॉफ्ट कर देंदा है इंज मैश करके दिखांदा सी ठीक है अच्छा जी तो उंज कहंदे ने सोडे वाले भाई ज्यादा सोडे पांदे ने उना दा ना छोलियां दा स्वाद ही होर हुंदा है फिर मैं इथों पहले कोई नहीं हुंदा सी ते तुहाडा ये बेकिंग पांदे हुंदी सी ठीक है ते ज्यादा कोई पाए तो कोई सोडे का ना स्वाद ही कुछ होर हो जाता है तो इन्ना कुछ सोडा वो नाल दसा पे ऐसी पेट लिए अच्छा है लोग पहले कहने ऐसी सोडा जे नहीं खाना चाहिए हूँ इन्हों ना इन्ना इन्ना फिर कोई तंग नहीं करता क्योंकि भेजे हुए ने जिन्हें काढ़े बन जाएंगे कोई ना ठीक है तो हूँ तू कहेंगा तो तेरे सामने एक होर टिप देंगे ना मेरा पक्या है तो पक्या पा देने असं लोग ना काली साबत दाल बनाइए बनाइए तो इन्ना को एक चम्मच ना मस्टर्ड ऑयल पाने अच्छा तो कई रीजन दसते ने मतलब कोई कहता सी माँ की दाल में गलती अच्छा वे कोई कहता ये वे दूजा रीजन ये भी हो सकता है तो थोड़ी दाल उबल के बाहर नहीं आती पता नहीं है यदा फायदा ही है तो कभी भी डाल लें या कभी नहीं खटास करनी है ते ओ, चाहे अमचूर पावा जो मर्जी पावा खटाई दे चाहे अमचूर पाओ चाहे अनारदाना पाओ चाहे इमली घोल के पाओ है मतलब क्योंकि टमाटर बिल्कुल खट्टे नहीं होंगे फिर नहीं है तो तुम अपने ऊपर नींबू भी नहीं छोड़ो ठीक ये खटाई ये हूँ गल जाएंगे पे रहेंगे देखने नहीं पैणगे घट बाद हूँ थोड़ा जहा कर भी देखांगी शक्ल बनाने वास्ते मैं घर हैगी हाँ तो तुम बस ये कह दाँगी कि जरा को मैं ना जीरा पावगी कलर करने लिए मिर्च पावगी वो तेरे सामने दे दाँगी तुम करने की लोड़ नहीं चलो ठीक है ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਘਿਓ ਪਾਓ ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਨਾ ਅੱਧੀ ਕੜਛੀ ਘਿਓ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੇਲ ਡਾਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਪਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਅਭੀ ਵੀ ਘੀ ਡਾਲਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਬ ਡਾਲੋਗੇ ਆਪ ਬਸ ਜਦ ਕੁੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਘੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਪੂਨ ਘੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਬ ਇਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਸਕੋ ਤਾਂ ਮਿਰਚ ਆਪ ਕਬ ਡਾਲਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ और मैंने वो तो कलर के लिए डालनी है ये भी ज्यादा कड़वी नहीं है अच्छा ठीक है तो और कुछ नहीं डालना हो गया शुरू करें फिर नहीं इधर लगे ही हुए अच्छा ठीक है बदल देता है ठीक ये मैं आज 35 दबाऊंगी ठीक है जी क्योंकि सवेरे पे हुए ने ठीक है तो ये तो प्रेशर करना है क्या करना हाँ, प्रेशर करूंगी ना प्रेशर करूंगी स्टार्ट कर दो ठीक ये तुसी स्लाइस करके टमाटर प्याज भी पा सकते हो अच्छा पर उते कुछ गया ही नहीं है तो तुसी अंजन रख के टुकड़ा करके पा भी दोगे कोई नहीं नहीं है तो थोड़े को तुसी जिंजर पाउडर पाओ चाहे गार्लिक पाउडर पाओ चाहे गार्लिक अपना प्यूरियां पाओ कुछ पाओ हूं मैं बरती रहनी है सुबह जल्दी च के भी इथों भी ले लेनी है मैं छिलदी पे सा तो मेरा की गया मैं कोसे पानी से भिगो दी सी तो मैं गार्लिक भी पाता प्याज भी कटना से भी पाता ए चाहे कुछ भी ना चीज़ा पावा लोग निरा ही छोले उबाल लेंगे ठीक वो मैश करके बस हो कई लोग बिना प्याज वाले खाते नहीं कि नहीं लोग ठीक वो अदरक तो टमाटर ज़्यादा पा देना देख लवेंगे तेरे सामने गले होंगे ठीक अब अच्छा ठीक तेरे को चावल दिखा दो चलो ये चावल एक गिलास है इसे बंद कर दो पहले इसे रख देती हूँ मैं तो छोटी छज्जी ले लेती हूँ लेकिन देखो प्रैक्टिस नहीं करती मैं बड़ी बताऊँ क्योंकि सुप्रीति के ना सेम में बड़े चावल डाले इतने लेड़े जी पौधे पे हमने लोग ये थे ना पौधे में पा देंगे अच्छा पानी कोल बकेट हो गए तो आदमी पानी उस पर डाल लो पानी हो तो मैं नहीं उंज कहते हैं इन्ना तो ऐसे देना नहीं है ना मैं तो एक थोड़ा ये लेनी आते एक दिन छोड़ के पुदीने दे आते हैं ये दरकार मैं किया है थोड़ा थोड़ा मलीद है कि भी ये थोड़े ना कुछ लगा हो पेस्टिसाइड या ये वाइटनेस
ये निकल जावे। ठीक है ठीक है। तो ये छोले जब 35 मिनट में हो जाएंगे तैयार, बस पड़े ना फिर उसी में। हाँ उसी में पड़े, बस जब सर्व करना है बस अपना घी पाओ, गरम मसाला वो देख ची पा दे ऊपर की। अच्छा अभी भी गरम मसाला डालना? हाँ पाउडर वाला ना भी पाओ कुछ नहीं। कितना डालना तो गरम मसाला? आधा टीस्पून पा लो, आधे तो घट पा लो। अच्छा आधा टीस्पून वो, और एक चीज और बोली थी आपने, इन्हें छोले में से अधे तो काट ही पा लो, स्ट्रॉन्ग बिल्कुल प्योर है। ठीक है, ये मर्जी पाओ मर्जी ना पाओ, नहीं होता तो कोई लोग नीरा जीरा पा देते हैं रोस्टेड फ्लेवर ले, कसूरी मेथी ये अपनी चॉइस है। तेरे सामने साबत पा लेते हैं, साबत ना पाओ नीरा ही पा लो अपनी मर्जी, या जीरा या कसूरी मेथी या गरम मसाला और घी है। ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा तरीका भी दिखा सकती सी, बस मैं पॉट ऊपर रख दी तो तेरे सामने पाई जाती मसाले पहले कर लेते। हाँ पूरे नाम ही कर दी। अच्छा। मैं जरा कोई कर दी तो तनु दिखाई जांदी। तो आप कह रहे हो कि गरम मसाला और घी लास्ट में डालना है ऊपर? हाँ, हाँ पहले भी पा सकते। अच्छा ठीक है, वो तो मैं तनु कुकिंग टिप देता है वो पा लिया, पर तनु ने बड़ा। आप कह रहे हो कि भी जो क्यों क्यों पा सकता है, हमने गरम मसाला पाउडर पा सकता तो जो, और जीरा जो है वो भी पहले डालना होता है? जीरा पाउडर पहले पा सकते। ठीक है जी, ओके। वो खुशबू कर दूं पहले, जरा क्यों पा दें दी, जरा को कर दी इन्ने ने ना ना भुन दी ते बीच पा दें दी। ठीक है, उन्हें कोई गल वे मैं कह भी चलो देखती हूँ कि भी ये मैं भी तेरे सामने प्रैक्टिकल अपना पूरा कुकिंग से फैल गया भी मेरा किमें बने तो मैं जरा को तेरे सामने टेस्ट करके तड़का दे दूंगी। तुम्हें कुछ करने की लोड़ नहीं, घ्यो बिचे पा दे, चावल हो गए दो गिलास पानी पा दिता। हाँ। तो ये मंगते ने महसूस करते ने कई बार, तो मैं फिर इन्ना कुछ ज़्यादा पा दूँगी। ठीक है, बस ये जरा को थोड़ी चॉइस है कि वो पाओ, बस इन्ना कोई ऑयल पा दें। ठीक है, अच्छा ये फायदे होंगे ने तो मैं पा देनी है। कई लोग कहते हैं भाई वो इन्ना कर एक दो लौंग का दाना पा लें, पाए तो होने सारा कुछ इन्ना को पा देनी है। जीरा हाँ कुछ भी ना पाओ कोई गल नहीं। ठीक है, इधर मर्जी तेज पत्ता पा दे, मर्जी पाओ मर्जी कुछ भी ना पाओ। ठीक है जी, ठीक है। ये मुंबई रहेंगे कि जी रहेंगे, मेरा दिल करेगा जब मर्जी मैं ऑन कर दूंगी। ठीक ठीक है, ऑन कर दें सर आज नहीं। अच्छा ठीक है, मन की लोड़ है जब नाले के भिजे रहे। ठीक है ओके, तो कर लवांगी वो नहीं गर्म रहेंगे। अच्छा ठीक है, बस हो गया। ये आपके चावल हो गए, एक का डबल पानी ऐसे छोले हो गए, ये छोले हो गए। ठीक है, तो राजमा भी ऐसे ही बनने? राजमा भी ऐसे, काले छोले भी ऐसे। अच्छा ठीक है, हैं तो इवन ओ मसाले पाओगे निरे तो बस पानी पाओगे थोड़ा, छोले भी हमें राजमा भी हमें और रेडीमेड मसाला। ठीक है, ओदे तुसी घ्यो नमक कुछ पाना ही नहीं, लहसुन अदरक पाना ही नहीं, खाली मसाला ते पानी पाना है। अच्छा ठीक है, खाली रेडीमेड मसाले पाने ने ब्रॉथ या और पानी इतने पानी। छोलों के लिए बहुत है वो है? है इतने छोलों के लिए वो मसाला पैकेट बहुत। हाँ। है ठीक है ओके, तो छोले हो गए सफेद छोले काले छोले राजमा इसी तरीके से है? है? मतलब सारे सफेद छोले काले छोले राजमा चिकन सारा दा ये मसाला है? नहीं चिकन तो चिकन ऐसे में हमें बनता है। अच्छा चिकन, बट चिकन तो मैरिनेट करना पड़ेगा ना पहले? हाँ चिकन में इतना पानी नहीं पाना, बस सारे मसाले प्याज टमाटर लहसुन अदरक एमे मोटे कट के बस इसी में डाल दो। हाँ चिकन इतना अपना पानी छोड़ेगा, प्याज टमाटर छोड़ेंगे फिर भी तुसी देखोगे याद नहीं मैं व्हाइट चिकन तो फिर वो मैरिनेट करते थे हम उसमें दही में और उसमें वो हम लोग करते हैं कि भी चलो हम उसी वक्त खाने लग अंदर घुस जाए पर ऐसे प्रेशर देता हुआ है अभी वो तो सबको सारे 30 मिनट्स में हो जाएंगे। सॉफ्ट चिकन है वो हार्ड होंगे ने अंदर फिका फिका ना लगे फाइबर वाला ना लगे ता मैरिनेशन दा फैशन चले है। तो ओके तो चिकन फिर हम इसमें कितना आधा किलो डालेंगे जो हम एक पैकेट पड़ जाएगा जो छोटा वाला जो होता है कोई एक बड़ा होता है एक छोटा होता है कल वो वाला चिकन भी वैसे बना लेंगे। ठीक वो तो तू देख ले
बड़ी देर भी लगती है, मतलब एक घंटा ले रहा था ना, देखा था ना हमने, एक घंटा लिया, एक घंटा टोटल, क्योंकि विच ही होता वो ते वो, और इसमें आधे घंटे में हो जाएगा, आधे घंटे तो भी जल्दी हो जाएगा, इतने इतना सॉफ्ट थोड़ा चिकन होता है वो, 20 मिनट 15 मिनट विच चिकन, फिर हम अभी उसमें करते हैं, फिर इतनी देर कल करके देखते हैं, चलो ठीक है, हैं और ना असी अब दाल में क्या क्या फर्क है, दाल में बस काली दाल भी नहीं बन जाएगी, काली दाल भी आधा घंटा, काली ना सोख की हुई मां की दाल जी राजमा वाली है पूरी सोख की होंगी है, तो मैं राजमा तो साबित नहीं ना सोख किते 15 मिनट लेंगे, नहीं राजमा अपने राजमा छोले बोले रात को भगोने हैं, राजमा तो काली दाल है ना जेड़ी, वो भिजी हुई टोटल मैं देखा 15 मिनट च हो गई, काली दाल जो है, काली दाल तो छोले आधा घंटे, सफेद छोले काले छोले आधा घंटे, अच्छा राजमा 15 मिनट है, और ये काली दाल क्वालिटी, काली दाल भी भीगी हुई होती है मेरी, रात को मैं सुबह की धो के भिगोई है, अब मतलब वो भी रात को भिगो सकते हैं काली दाल, तो वो भी 15 मिनट, काली दाल का राजमा भिगो दोगे सवेरे उदा पानी निकाल दो, 15 मिनट, 15 मिनट ठीक है, और जो बाकी जो दालें अरहर की दाल है और चने की दाल है भिगो के वो 15 मिनट, ये रात दी भिगोई 15 मिनट, ठीक है जी, चने दी ते अरहर दी दाल सवेरे भिगो दिया, तो सबके मसाले यही है, हां ठीक, काली दाल का भी यही मसाला है, ठीक, छोटा जे प्याज पाओ, ठीक।